हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट टैंकर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है विलयन। तो विलयन में आज हम लोग पढ़ेंगे कि विलयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम डालेंगे, फिर टॉपिक वाइज हम लोग सभी चीजों को देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग भी हमारे साथ चैप्टर का नाम डाल लीजिए। में जैसे कि अगर हम लोग विलयन का परिभाषा देखेंगे, तो विलयन का परिभाषा होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक। समांगी मिश्रण क्या होता है तभी हम लोग बता सकते हैं कि विलयन क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट लगाएंगे समांगी मिश्रण। हम लोग पॉइंट क्या लगाएंगे, पहला समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में हम लोग लिखेंगे वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग समान होता है उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब मिश्रण का प्रत्येक भाग का जो संगठन रहेगा वो एक जैसा होगा, तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ग्लास पानी है और उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी ऐड कर दिया। तो अब हम लोग उस विलयन का टेस्ट करेंगे, क्योंकि विलयन तो बन चुका है, क्योंकि हमने उसमें नमक डाल दिया और चीनी डाल दिया और पानी मिला दिया, तीनों को मिला दिया, तो हमें जो चीज मिला वो विलयन है। अब उस विलयन का टेस्ट अगर हम लोग करेंगे, तो मान लो एक लड़का बोला कि हाँ मुझे ऊपर वाला रस चाहिए, एक लड़का बोला कि मुझे नीचे वाला रस चाहिए। तो जब उन दोनों को रस मिला तो वहां पे उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं मिला। मतलब ऐसा नहीं था कि नमक का टेस्ट केवल पानी के ऊपर वाले पार्ट में आ रहा था और चीनी का टेस्ट केवल नीचे वाले पार्ट में आ रहा था, ऐसा बात नहीं था। कहीं का भी विलयन का पार्ट अगर हम लोग उठाते थे तो वहां के प्रत्येक भाग का जो टेस्ट था वो सेम था। यही तरीके का अगर कोई मिश्रण रहेगा तो उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक। हम लोग समांगी मिश्रण में क्या पॉइंट लगा सकते हैं, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ये होता है समांगी मिश्रण का परिभाषा। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होगा, समान होगा, एक जैसा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा कि विलयन किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग क्या रहेगा, विलयन। तो हम लोग यहां पे हेडिंग नेक्स्ट लगा लेते हैं विलयन। तो देखो हम लोग विलयन को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और पूरा एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये विलयन क्या होता है, ठीक। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अभी मैं विलयन का डिफिनेशन लिखूंगा, फिर इसके बाद मैं आपको विलयन को समझाऊंगा। यहां पर लिखेंगे क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे हमें समझना होगा कि क्या है विलयन। देखो विलयन की एक लक्षण होती है कि जो पदार्थ को हम लोग मिलाएंगे वो पदार्थ पूरी तरीके से आपस में घुले हुए होने चाहिए। अगर वो पदार्थ आपस में पूरी तरीके से घुले नहीं है तो वो हमारा विलयन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो भी पदार्थ है वो आपस में पूरी तरीके से एक समान रूप से घुले रहेंगे तभी वो विलयन का कैटेगरी होगा।
तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन जो होता है, संगठन या संगठन घ भी लिख सकते हो, ग भी लिख सकते हो, तो संगठन प्रत्येक भाग का समान रहेगा तो उसे हम लोग समांगी मिश्रण बोलेंगे। और विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो भी पदार्थ विलयन में उपस्थित है वो सभी पदार्थ एक दूसरे में अच्छी तरीके से घुले रहेंगे तभी वो पदार्थ एक विलयन का रूप होगा। अब थोड़ा सा कुछ लोगों में ये क्वेश्चन आ गया कि क्या विलयन लिक्विड स्टेट में हमेशा होगा, या कुछ लोगों के दिमाग में आ गया कि क्या विलयन हमेशा सॉलिड स्टेट में होगा या क्या विलयन गैसीय स्टेट में होगा। तो जो विलयन होता है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमारे जो विलयन है वो विलयन में विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है और विलायक की कितनी मात्रा घुली हुई है। अगर विलायक हमारा ठोस अवस्था में रहेगा तो विलयन हमारा ठोस अवस्था में बनेगा, अगर विलायक हमारा गैसीय अवस्था में रहेगा तो विलयन हमारा गैसीय अवस्था में रहेगा, अगर विलायक हमारा द्रव की अवस्था में रहेगा तो विलयन हमारा द्रव की अवस्था में। अब लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार ये विलायक है क्या या फिर विलयन क्या होता है, इसको तो हमें पता रहना चाहिए कि विलयन जो होता है उसमें विलायक क्या होता है और विलय क्या होते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे विलयन का हमने डिफिनेशन लगा दिया, अब विलयन का हम लोग एक उदाहरण ले देते हैं। विलयन का हम लोग क्या लेंगे, उदाहरण। ठीक, तो उदाहरण में चीनी, नमक तथा पानी का मिश्रण, पानी का मिश्रण। चीनी, नमक और पानी को अगर हम लोग मिला देंगे तो जो हमारे पास शरबत बनकर तैयार होगा उस पूरे शरबत का टेस्ट पूरे विलयन में एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं का ज्यादा मीठा है, कहीं का कम मीठा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो विलयन क्या होगा, एक प्रकार का समांगी मिश्रण होगा। समांगी का मतलब पूरे पार्ट में जो भी चीज मिलाया गया वो सभी पार्ट के लक्षण एक जैसे हों। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, एक चीज हमें बनाना है, जैसे हमें चाय बनाना है। ठीक, तो चाय बनाने के लिए हमने क्या किया, उसमें दूध मिलाया, उसमें चीनी मिलाया, उसमें अदरक मिलाया, उसमें चाय पत्ती मिलाया, ठीक, और उसमें हो सकता है इलायची मिला दिए। तो ये सभी चीजें आपने जब उसमें मिलाया तो फिर हमें क्या बनके तैयार मिला, हमें बनके तैयार मिला चाय। अब ऐसा नहीं होगा कि चाय हमने 5 कप में छान के अलग अलग किए, तो ऐसा नहीं होगा कि अदरक का टेस्ट 1 कप में आ रहा है फिर इलायची का टेस्ट 2 कप में आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। हर एक कप का जो टेस्ट होगा, हर कप में जो चाय प्रेजेंट है उस चाय का जो टेस्ट होगा वो सभी कप में एक जैसा होगा। तो विलयन का सेम ऐसा ही लक्षण होता है कि विलयन के अगर किसी भी पार्ट का अगर हम लोग कोई भी जानकारी प्राप्त करें, मतलब एक विलयन बना है उसके किसी भी पार्ट को थोड़े से लेकर के अगर उसके बारे में हमें उस लक्षण पता करनी है तो उस पार्ट का जो लक्षण हमें मिलेगा वो पूरे विलयन का लक्षण एक जैसा शो करेगा। समझ में आया बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग विलयन के भाग देखेंगे कि विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं। तो विलयन के जनरली 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है विलय और दूसरा भाग होता है विलायक, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं विलयन के भाग, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा क्या, विलयन के भाग, विलयन के भाग, ठीक। तो विलयन के 2 भाग होते हैं, विलयन कितने भाग होते हैं, 2 भाग। एक भाग होता है क्या, विलयन के भाग कितने होते हैं, 2 भाग। एक भाग होता है विलय और दूसरा भाग क्या होता है, विलायक, दूसरा भाग विलायक, ठीक। तो इसमें जो पहला भाग होता है उसको हम लोग लिखेंगे कि विलय क्या होता है, ठीक। तो हम लोग यहां पे डाल लेते हैं पॉइंट विलय, पॉइंट हम लोग का क्या होगा, विलय, ठीक। तो यहां पे हम लोग विलय को क्या लिखेंगे, विलयन में, विलयन में जिस पदार्थ, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, कम होती है, उसे विलेय कहते हैं,
उसे विलय कहते हैं। मतलब विलयन में एक ऐसा पदार्थ, विलयन में एक ऐसा पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में क्या होगी, कम होगी, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, विलय कहेंगे। ठीक, जैसे हम लोग वो ने क्या बनाया, रस बनाया था, रस में मान लो 1 लीटर पानी ले लिया, हमने उसमें 250 ग्राम चीनी मिला दी, तो चीनी की मात्रा क्या है, चीनी की मात्रा कम है, तो विलय हमारा चीनी हो गया और पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक, तो जिस चीज की मात्रा कम होगी, जिस चीज की मात्रा कम होगी उसे हम लोग विलय बोलेंगे। ठीक, सेकेंड चीज इसमें क्या है, विलायक, सेकेंड क्या है, विलायक, सेकेंड क्या है, विलायक। तो विलायक क्या होगा, विलयन में, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। इतना हो गया, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान क्या देना है कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें हम लोग बताएंगे कि विलय क्या है और विलायक क्या है। ठीक, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल में 1 किग्रा पानी में, पानी में 250 ग्राम चीनी का मिश्रण, का मिश्रण। अब इसमें अगर हमें ढूंढना है कि कौन सा पदार्थ विलायक है और कौन सा पदार्थ विलेय है, तो ज्यादा किसकी मात्रा है, ज्यादा किसकी मात्रा है, ज्यादा मात्रा है पानी की, पानी की मात्रा कितना है, 1 किग्राम, मतलब 1 केजी, 1000 ग्राम। तो ये जो पानी है, ये जो पानी है, पानी क्या है, पानी हमारा है विलायक, पानी क्या है, विलायक, और चीनी क्या है, विलेय, चीनी क्या है, विलेय। क्यों, क्योंकि चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है, इस वजह से पानी हमारा क्या हो गया, विलायक, और चीनी हमारा क्या हो गया, विलेय हो गया। अब इतना पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक, एक बार देख लीजिए, समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण पता हो गया, अब हम लोग देख लिए विलयन को। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन बोलते हैं। समांगी मिश्रण अगर रहेगा जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए गए रहेंगे तो उसे हम लोग विलयन बोलेंगे। विलयन के कितने भाग होते हैं, दो भाग, एक भाग होता है विलेय और दूसरा भाग होता है विलायक। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक। ठीक, अगर मान लो कोई आपसे बोल दिया कि अच्छा ये बताओ कि ये विलयन का एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, पानी है, और पानी में हमने क्या मिला दिया, बालू मिला दिया, पानी और बालू को हमने मिक्स कर दिया। अब आपसे कोई पूछ दिया कि ये बताओ कि ये समांगी मिश्रण है कि नहीं है, तो क्या बोलोगे, ये समांगी मिश्रण नहीं है, क्योंकि बालू जो है वो पूरी तरीके से घुला हुआ नहीं पानी में। बालू और पानी को कहीं पे रख दोगे तो कुछ टाइम बाद तुमको दिखेगा कि बालू पूरी तरीके से पानी के तली में, या जो चीज में पानी रखे उसके तली में बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विलयन को चाहे जितने भी टाइम तक कहीं पे भी रखा जाए, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं लक्षण होना चाहिए कि 2-4 घंटे के बाद बैठ के उसके जो पार्ट है कुछ नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर वाला पार्ट कुछ और है, नीचे वाला पार्ट कुछ और है, ऐसा नहीं लक्षण होना चाहिए विलयन। विलयन का लक्षण ऐसा होना चाहिए कि उसको चाहे जितने टाइम तक कहीं पे भी रखेंगे उसके संगठन में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं दिखना चाहिए, जैसा हम लोग रखे हैं वैसा ही लक्षण उसमें अंत तक होना चाहिए। समझ गए, तो ये होता है विलयन, क्लियर बात। अब विलयन के कुछ लक्षण होते हैं जिसको हम लोग लिखेंगे, इसको आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको क्या करना है, लिखना है। विलयन के जो लक्षण होते हैं उसको हम लोग एक एक लिखेंगे और एक एक लक्षण को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, तो हम लोग का हेडिंग नेक्स्ट क्या होगा, विलयन के लक्षण। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं विलयन के लेक्चर, विलयन के लेक्चर। ठीक, तो विलयन का जो पहला लक्षण होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, वो ये होता है कि विलयन एकल प्रावस्था में पाया जाता है। ठीक, इसको हम लोग लिख लेते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। पहला लक्षण क्या होता है, विलयन एकल प्रावस्था में पाया जाता है, एकल प्रावस्था, एकल प्रावस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। विलयन एकल प्रावस्था में पाया जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विलयन जो होता है वो ऐसा नहीं होगा कि उसमें दो अवस्था होगी। अगर कोई विलयन तरल अवस्था में है, लिक्विड की अवस्था में है, तो वो लिक्विड की अवस्था में होगी। अगर कोई विलयन ठोस की अवस्था में है, तो वो ठोस के ही अवस्था में होगी। अगर कोई विलयन गैस की अवस्था में, तो गैस की अवस्था में होगी। अब जैसे मान लो आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मंठा आप लोग सुने होंगे। मंठा, मंठा कब बनता है? जब हम लोग घी बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे घुमाने वाला रहता है चक्री, तो उसको घी घुमाते हैं, तो कुछ पार्ट उसके ठोस में हमको मिल जाते हैं और कुछ हमें नीचे लिक्विड के पार्ट में मिलते हैं। तो उसमें देखोगे तो छोटे 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 पार्टिकल तुमको दिखाई देंगे। तो क्या वो विलयन का स्टेट है? ना, वो विलयन का स्टेट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें ठोस के भी पार्टिकल हैं और द्रव के भी पार्टिकल हैं। वो सभी पार्टिकल एक समान रूप से नहीं घुले हुए हैं। अगर तुम क्या करोगे, मान लो जो तुमको सॉलिड वाला पार्ट मंठे में से बाहर निकल के मिला है, वो सॉलिड वाला पार्ट आपने निकाल दिया, फिर आप उसको कुछ टाइम के लिए मंठे को रख देंगे, तो उसमें क्या होगा, फिर ऊपर वाला पार्ट जो रहेगा उसमें वो तुम्हारा कम गाढ़ा होगा और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो अधिक गाढ़ा होगा। तो विलयन के अंदर ऐसा कोई भी लक्षण नहीं होता है कि ऊपर वाला पार्ट तुम्हारा ज्यादा गाढ़ा हो, नीचे वाला पार्ट कम गाढ़ा हो। ना, विलयन में केवल ये लक्षण होता है कि जो भी पार्ट उसके ऊपर वाले हिस्से में दिखाई देगा, वैसा ही सेम लक्षण उसके नीचे वाले पार्ट में भी रहना चाहिए। मतलब पूरे विलयन का जो लक्षण बनते हैं वो एक समान रहना चाहिए, मतलब वो एक अवस्था में रहना चाहिए। अगर विलयन लिक्विड की स्टेट में, तो उसमें सॉलिड के कोई भी पार्टिकल नहीं दिखाई देने चाहिए, हम लोग आंख से उसको सॉलिड वाले पार्टिकल को नहीं देख पाने चाहिए। अगर हमारा विलयन ठोस अवस्था में है, तो हमें कोई भी ऐसा उसमें पार्टिकल द्रव या गैस की अवस्था में नहीं दिखाना चाहिए। अगर हमें दिखाई दे दिया तो वो विलयन नहीं है। इतनी बात क्लियर? यही इसका कहने का मतलब है कि विलयन एकल प्रावस्था में पाया जाता है, मतलब विलयन में एक अवस्था होती है, एक से अधिक अवस्था विलयन में नहीं होती है। समझ गए? दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, विलयन पूर्ण रूप से एक समान होता है। वही सेम पॉइंट है, इसका भी मतलब वही है। विलयन पूर्ण रूप से एक समान होते हैं, एक समान होता है। ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं, मतलब विलयन का जो पूरा लक्षण होगा वो पूरे विलयन में एक जैसा होगा, कहीं पे भी कोई लक्षण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपको दिखने वाला नहीं है। ये हो गया सेकंड लक्षण। थर्ड लक्षण होता है विलयन के, विलयन के घटकों को, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का ये मतलब है कि विलयन को अगर हम लोग छान के अलग करना चाहें तो हम लोग उसको नहीं अलग कर पाएंगे। समझ गए? विलयन को अलग करना भौतिक विधि द्वारा संभव नहीं है। उसको गर्म करके ऐसा हो सकता है कि जो पानी उसमें उपस्थित है उसको हमने वाष्प बना के उड़ा दिया, ठोस हमें कोई मिल गया, तो ये तुम्हारा भौतिक विधि नहीं है। भौतिक विधि का मतलब क्या है? विलयन में जैसे मान लो हमने क्या किया, चीनी है, ठीक, चीनी और पानी को हमने मिला दिया, अब हमारा विलयन बनके तैयार हो गया। अब हम सोचे कि अब क्या की, एक छन्नी ले ली, छन्नी से पानी जो रस बना था उसको हमने ऐसे
गिरा दिया। तो ऐसा नहीं होगा कि चीनी तुम्हारी छन्नी के ऊपर आ गया और पानी तुम्हारा नीचे आ गया, ना ऐसा नहीं होगा। ठीक, दोनों उसमें एक समान रूप से घुले हैं तो उसको हम लोग अलग नहीं कर पाए छान के। दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता कि चीनी और पानी को मिला दिए, अब कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि चीनी के पार्टिकल फिर अलग हो जाए, हमने उसको क्या किया था, छान के अलग कर दिया, ना ऐसा भी नहीं होगा, या उसको हमने ऐसे पकड़ के हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं लक्षण देखने वाला हमें। जो भी चीज उसमें घुले रहेंगे उसको हम लोग रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। जैसे दाब लगा के अगर कोई सोचे कि विलयन के जो भी पार्टिकल है उसको अलग कर दे, तो ना ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम लोग उसको छान के अलग नहीं कर सकते, उसको काउंट करके गिन उनके अलग नहीं कर सकते, ऐसा कोई लक्षण विलयन में नहीं होगा। ठीक, ये सब भौतिक विधि है। जैसे काउंट करके किसी चीज को अलग कर, जैसे मान लो हमारे पास 15 सेब है, 20 केले हैं, 15 आम है, ये सब है, तो इसको हम लोग काउंट करके अलग कर सकते हैं, तो ऐसा विलयन के अंदर लक्षण नहीं होगा। विलयन में जो चीज मिला दिए उसको काउंट करके अलग नहीं किया जा सकता, उसको छान करके अलग नहीं किया जा सकता, उस पर दाब लगा के अलग नहीं किया जा सकता, समझी बात। ये सब भौतिक विधि होती है। थर्ड पॉइंट तक हो गया, फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट क्या है, विलयन में उनकी घटकों के लक्षण पाए जाते हैं। विलयन में किसका लक्षण होता है, जो उस विलयन की घटक होगी। जैसे हमने चीनी और पानी और नमक को मिलाया, तो उस विलयन में जो विलयन बनकर तैयार हुआ उसमें चीनी का भी टेस्ट आएगा, उसमें पानी का भी टेस्ट आएगा, उसमें नमक का भी टेस्ट आएगा, तीनों चीज का टेस्ट आएगा। अब विलयन के कुछ लक्षण होते हैं, ठीक, विलयन के जो कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, या जो हम लोग बोल सकते हैं विलयन के कुछ मुख्य गुण होते हैं, तो वो क्या होते हैं, विलयन में निम्न गुण पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से गुण हो गए, एक गुण हो गया तुम्हारा श्यानता, ठीक, एक गुण हो गया घनत्व, श्यानता का मतलब क्या होता है, श्यानता का मतलब होता है कि कोई विलयन तुम्हारा कितना ज्यादा गाढ़ा है, कितना अच्छी तरीके से वो फ्लो कर पा रहा है, फ्लो नहीं कर पा रहा है, इधर उधर हिल डुल पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास सिरप है, तो सिरप को एक जगह गिराओगे और पानी को एक जगह गिराओगे, तो पानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज्यादा दूर तक फैल जाएगा, और जो सिरप है वो ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा क्योंकि वो गाढ़ा है, तो इस कंडीशन में वो क्या होगा, कम जगह कवर करेगा, तो उसकी श्यानता अधिक होगी। घनत्व तो क्या होता है, कोई भी चीज कितना गाढ़ा है वो उसके घनत्व को रिप्रेजेंट करती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई चीज कितने कम जगह में कितना ज्यादा वेट को कंज्यूम करती है, मतलब कोई जगह इतना जगह, कोई चीज है जो कि इतना जगह कवर किया है, लेकिन अगर इसका वजन हम लोग करें तो हमें 5 किलो दिखाई दे रहा है, तो वो तुम्हारा क्या है, उसका घनत्व ज्यादा। अगर कोई चीज इतना जगह में केवल 5 किलो वेट कवर किया है तो उसका घनत्व कम है। ये चीजें घनत्व, ये लक्षण होती है विलयन में, श्यानता का लक्षण होता है, घनत्व का लक्षण होता है, पृष्ठ तनाव होता है, क्वथनांक होता है, पृष्ठ तनाव होता है, क्वथनांक होता है, पृष्ठ तनाव, क्वथनांक, हिमांक आदि, ये लक्षण क्या होते हैं, विलयन में पाए जाते हैं, समझ गए। हिमांक मतलब उसको घन हम लोग गर्म करें तो कितने पॉइंट पे वो, कितने टेम्परेचर पे वो उबलना स्टार्ट किया, वो उसका क्वथनांक कहलाता है, कितने टेम्परेचर पे वो विलयन जो है वो जम गया है, सॉलिड स्टेट में हो गया है, वो उसका हिमांक कहलाता है, समझ गए। अब इतना चीज हो गया, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि विलयन के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो विलयन के प्रकार को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझ गए। तो ये वीडियो जो था वो पार्ट नंबर 1 था, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो पार्ट नंबर 2 होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 में, ये तुम्हारा कौन सा पार्ट है, ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक, पार्ट नंबर 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विलयन के प्रकार कितने कितने होंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक, इन सभी चीजों के बारे में, अति संतृप्त विलयन क्या होता है, गैसीय विलयन किसे कहते हैं, द्रवीय विलयन किसे कहते हैं, ठोस विलयन किसे कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले। आप लोग इस वीडियो को ढेर से ढेर शेयर करेंगे, जिसको जिसको जरूरत होगी वो वीडियो को अच्छे ढंग से वॉच करेंगे, और उम्मीद है कि आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी।